देश में नेताजी की पहली ऐसी फिल्म जिसका ट्रेलर कर्तव्य पथ स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सम्मुख निखिल गैरी भा एंड एंटरटेनमेंट्स के राजा शेखर रेड्डी चरण तेज उपलापति द्वारा चिलचिलाती धूप में लॉन्च किया गया। निखिल ने मीडिया कर्मियों के भारी जमावड़े के बीच 29 जून को दुनिया भर के 5 भाषाओं में रिलीज होने वाली फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा देश को आज़ादी दिलवाना और प्लेन क्रैश में मृत्यु के रहस्य का पता लगाना किंतु कल्पनात्मक घटना को लेकर मकरंद देशपांडे अपनी टीम भगवान जी फाइल्स को नेताजी का वृत्तांत बताते हैं। स्पाई की जिम्मेदारी निखिल को दी गई है। वास्तव में निखिल का किरदार काबिले तारीफ है। मसलन आगामी उक्त फिल्म में निखिल सिद्धार्थ, आर्यन राजेश, ऐश्वर्या मेनन, सान्या ठाकुर, चरण तेज उपलापति, अभिनव गोमातम, मकरंद देशपांडे, जीसू सेन गुप्ता, नितिन मेहता, रवि वर्मा, कृष्णा तेज, प्रिशा सिंह, सोनिया नरेश, वंशी पचुपुलुसु, मार्क डेविड, अनुरोध कृष्णमूर्ति, श्री चरण पकाला, एसोसिएट एडिटर भाविन एमसा, अर्जुन सृष्टि सहित तमाम आर्टिस्ट व कलाकार, संगीतक, पीआरओ टीम के अलावा 5 भाषाओं में फिल्म बनाने वाले सहयोगी भी कर्तव्य पथ इंडिया गेट पर मौजूद रहे। सर, हम हमें बहुत खुशी की ये बात है कि लेकिन हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के स्टैचू के सामने आके हम ये हमारा टीज़र लॉन्च कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर हमारे लिए, क्योंकि ये परमिशन मिलना है यहाँ पे और गवर्नमेंट लोग और यू नो ऑफिशियल भी टीज़र देख के उन्हें ये लगा कि लेकिन ये मूवी भी लेकिन सबको देखना चाहिए। एंड आई फील दैट आज टीज़र जो रिलीज़ होने वाली है उसको देखने के बाद अब सबको पता चलेगा कि ये मूवी में है क्या और हम यहाँ पर क्यों आए। सर, मैं सोचता हूँ कि इंडिया के इंडिपेंडेंस टाइम में बहुत सारे वक्त है सर जो बताई नहीं गई, सर मिस्ट्री जैसा है, खुला है अभी तो कोई तो हमने बहुत रिसर्च करके बहुत सारे लोगों के साथ बात करके एक्स्ट्रा एजेंट से बात करके बुक्स पढ़ के लेकिन हमने ये कहानी बनाई सर। और ये डायरेक्टर गैरी जी ही इज़ मेड द फिल्म एंड मैं सोचता हूँ एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म सर। ये स्पाई फिल्म है, एक्शन है इसमें, फैमिली इमोशन है, रोमांस है, कॉमेडी है, सब कुछ है। उसके साथ साथ मैं सोचता हूँ एक बहुत अच्छी लेसन भी है सर कि हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस क्यों आई, असल में क्यों आई और किन किन लोगों ने ये सैक्रिफाइस किया था। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतना बड़ा रोल था कि हम बात ही नहीं करते सर, क्योंकि हम जब टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक में एक ही पेज होता है सर। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे ये लगता है कि लाइक ऐसे मूवी बननी चाहिए। मूवी आ रही है और इंडिया गेट पे प्रमोशन के लिए आए हैं। इट्स रियली आई एम वेरी प्राउड टू बी हियर एंड आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड वी हैव अ रिलीज ऑन जून 29th लाइक निखिल सर सेड एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। थैंक यू। So I play a raw agent in this film, so I didn't know whether I was allowed to say that. That's why I asked my director, sir. So yeah, so I have a lot of action to do and there are a lot of stunts in the film and yeah, it's gonna be a power packed film. तो बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि एक सेंसिटिव टॉपिक है। We took care that it won't be any, you know, we won't be hurting any set of people over here. तो इट्स अ एक्चुअल कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री विथ फिक्शन। हम फिक्शलाइज भी किया था सिनेमा को पर इट्स मोर बेस्ड ऑन कि जो हुआ है हमारा रिसर्च में जो भी हमको पता चल गया वो सब लोगों को बोलना चाहिए। दैट्स व्हाट वी थॉट एंड दैट्स व्हाट वी मेड दिस। सो या वी एंजॉयड शूटिंग द होल फिल्म। मैं काफ़ी सवाल क्या कहना चाहेंगे अपने फॉलोअर से, मूवी आ रही है आपकी साइज की 29th जून को वी आर रिलीजिंग और हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम यहाँ पे आके टीज़र रिलीज़ कर रही है। फर्स्ट टीज़र है बॉलीवुड पे जो स्टैचू के पास आके कर्तव्य पथ पे हमने रिलीज़ किया है। सो ये बहुत प्राउड मोमेंट है। दूसरी ये बात है कि हम चारों का जो कैरेक्टर है वो सारे रॉ एजेंट्स का है। तो इट्स सर आपकी जो मूवी आ रही है उसके बारे में क्या कहना है? मूवी के बारे में मेरा फिल्म है अच्छा ही होगा, मुझे तो अच्छा ही लगा है। बट डेफिनेटली इट्स अ स्पाई फिल्म और दिस इज बेसिकली दिस हिस्ट्री विथ दिस हिस्ट्री ऑल्सो दिस फिक्शन ऑल्सो, तो दोनों को एक साथ मिलाया गया है। नेताजी का एक सीक्रेट जो इस फिल्म में दिखाएंगे और उसके साथ ऑब्वियसली फिक्शन है एंड इट्स अ स्पाई फिल्म एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म विच इज ऑन स्पाई, वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म विच इज़ कमिंग रिलीजिंग। व्हाट इज योर कैरेक्टर इन द मूवी? सर वो फिल्म तो देखना पड़ेगा उसके लिए। मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है एंड विच इज़ एट द एंड इज़ वेरी रिवील होता है कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ और किस लिए मैं हूँ फिल्म में। सो वो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा उसके बारे में लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है मेरा।
सर आपकी जो मूवी आ रही है क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये मूवी स्पाई जो आ रही है ये तेलुगु और हिंदी में लॉन्च कर रहे हैं अभी, ये एक सीक्रेट जो हम किसी को पता नहीं है सुभाष चंद्र बोस के ऊपर वो बनी हुई है। सो 29 जून का इसका थिएटरिकल रिलीज़ है ऑल ओवर इंडिया, तो मैं सभी से ये अपील करूँगा आप देखिए, जो हमें पता नहीं था वो इस मूवी में हमने कोशिश की है कि सब लोगों तक वो कहानी पहुँचे। सर नेताजी की कौन सी बात है जो आपको अच्छा लगा कि आप इस मूवी को बनाने के लिए? देखिए नेताजी की तो मैं क्या बोलूँ, मैं खुद भी फौजी हूँ, मैं फ़ौज में काम किया 21 साल, उसके बाद फ़ौज छोड़ के इस इंडस्ट्री में किया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से अच्छा इंसान मतलब मैं क्या बोलूँ, हम तो शुरू से बचपन से उनका वही देख रहे हैं, उन्होंने ही शुरू की थी जो हमारी जो सेना थी उन्हें से ही शुरू हुई थी यहाँ।